एक समुद्र के किनारे एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। आपने देखा होगा कि मेले में बहुत सारे गुब्बारे वाले बेचने वाले आते हैं, उनके पास अलग अलग रंग के गुब्बारे होते हैं, तो जैसे उनकी बिक्री कम होती है वो एक गुब्बारा छोड़ देते हैं, वो आकाश में उड़ता रहता है। फिर बिक्री कम हुई, अगला गुब्बारा फिर छोड़ देते हैं, वो आकाश में उड़ता रहता है। इसी समय एक छोटा सा बच्चा मेले कुचेले कपड़े पहने हुए उस गुब्बारे वाले के पास आता है और बोलता है कि अंकल, क्या एक काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है क्या आकाश में? जब उसने बच्चे ने देखा था कि अलग अलग रंग के तो गुब्बारे आकाश में उड़ रहे हैं, ध्यान से देख रहा था, तो गुब्बारे बेचने वाले ने बोला कि बेटे, इसमें कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी कलर का गुब्बारा हो वो आकाश में उड़ सकता है, फर्क पड़ता है उसमें भरी जाने वाली गैस के बारे में। यदि आपने हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस इसमें भरी हुई है तो ये आकाश में निश्चित उड़ेगा, चाहे किसी भी कलर का, काले कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, रेड कलर का हो, सारे गुब्बारे आकाश में उड़ सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कलर से। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें सीख लेना चाहिए गुब्बारे वाले से कि चाहे हम छोटे परिवार से हैं या बड़े परिवार से हैं, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। अपना जुनून होना चाहिए पढ़ाई के लिए, अपन में लगन होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। सरस्वती माता इस प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, केवल भेदभाव उन्हीं के साथ करती है जो मेहनत नहीं करते हैं। जो मेहनत करके सच्ची लगन से पढ़ाई करते हैं वो बच्चे, चाहे छोटे परिवार से हो, बड़े परिवार से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, सिटी से हो, या कोई गरीब परिवार से हो, सारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये होना चाहिए कि उनमें जुनून होना चाहिए पढ़ाई में, उनको मन लगा करके अच्छी तैयारी करना चाहिए, तो प्रत्येक बच्चा आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।